बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस चैनल के साथ मैं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइवर के हवाले से डिस्कस करूँगी कि अगर आपके पास कोई स्किल्स ना हो तो आप फाइवर पर काम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए से अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होने चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हों होने या आपके पास SEO की स्किल्स हैं, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइन है, इसके अलावा डिज़ाइनिंग में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो उन पे अगर आप एक काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं तो आप फाइवर के दरवाजे आपके लिए ओपन हैं, आप इसमें बहुत कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है तो हम किस तरीके से उसमें कमा सकते हैं, तो आज का यही टॉपिक है। ठीक है, कुछ इसमें वैसे तो आप स्किल्स सीख लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन अगर स्किल्स नहीं आती तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे देती हूँ कि किस तरीके से हम फाइवर में कमा सकते हैं। ठीक है ना, ये fiverr.com पे मैं इस वक्त लॉग इन हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, यानी कि इसमें जो है वो आप हर कैटेगरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज जैसे कि मैं लाइफ स्टाइल पे जाती हूँ, लाइफ स्टाइल में अगर मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जाती हूँ तो आर्ट एंड क्राफ्ट आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग क्राफ्टिंग करते हैं, घर में बैठ के चीजें बनाते हैं, उससे भी यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें बहुत सारे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे कि आई विल क्रिएट बास्ट आर्टवर्क ऑफ ऑर्डर्ड कलरिंग पेज। ठीक है, और इसी तरह से आई विल डू हैंड पेंटिंग ऑन कैनवस, यानी कि अगर आप कोई कैनवस पेंटिंग करते हैं तो आप उसमें भी फाइवर की गिग बना सकते हैं और उसके जरिए से अर्निंग कर सकते हैं। ये तो देखें बात वही आ जाती है कि अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ नहीं भी आता, तो देखें ये जो है बहुत सारी चीज़ें इंसान के अंदर, मतलब कि जो आर्ट होता है ना वो इंसान के इंटरनल होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सीखते भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो कर रहे होते हैं, तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट के एक्सपर्ट हैं वो चाहें तो यहाँ से भी कमा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो पेपॉल नहीं है, क्योंकि पेपॉल सर्विसेज के जरिए से भी ये पेमेंट देते हैं फाइवर में। ठीक है, अब पेपॉल सर्विस पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं है कि वो आ सकती है। ठीक है, तो पाकिस्तान में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं लाइक मलेशिया में और बहुत सारी कंट्रीज में लोग मौजूद होते हैं जो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना ये फाइबर पे अपना रिसर्च करें। ठीक है, और इस कैटेगरी को आप फॉलो करें और उसमें देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब जैसे कि पेंसिल स्केच है, ठीक है, हम आई विल टर्न योर फोटो इनटू पेंसिल स्केच, यानी कि एक जो ओरिजिनल फोटो है उसको पेंसिल स्केच में तब्दील करने का एक बहुत ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो इसके ज़रिए से भी आप फाइवर में कमा सकते हैं। अब आप देखें कि मैं इस गिग को ओपन करती हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर ये लेवल 2 सेलर हैं। ठीक है, इंडोनेशिया से इनका ताल्लुक है और ये जो है ये अब हो सकता है कि ओरिजिनल पेंसिल से ही काम कर रहे हो, लेकिन ये काम मैं आपको बहुत पते की बात बताऊं कि फोटोशॉप में ये काम आप इसके डिफॉल्ट फिल्टर से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह फोटोशॉप के लेक्चर्स में आप देखेंगे किस तरीके से एक फोटो को हम पेंसिल स्केच में कन्वर्ट करते हैं, तो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप कुछ ऐसी मैं आगे आपको वो बताऊँगी कि जो लोग मतलब फाइवर पे काम करना चाहते हैं या कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको स्किल कोई ना कोई लाजमी सीखनी पड़ेगी। अब मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी जो कि बिलफर्ज नहीं करना चाहते, मतलब ये कि जिनको कोई स्किल नहीं आती। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, मैंने इसी कैटेगरी में लाइफ स्टाइल की कैटेगरी में एक कैटेगरी देखी थी कि जिसमें वायरल वीडियो, हाँ वायरल वीडियो पर जाते हैं, उसमें ये होता है कि जैसे आप अगर किसी दुनिया के ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे जो है बहुत अच्छा मतलब कि एटमॉस्फेयर है, बहुत खूबसूरत जगह है जिसपे आप रह रहे हैं, तो उसमें अमेरिका और यूरोप में ये कल्चर है कि वो बर्थडे को और वैलेंटाइन को और ये जो इस किस्म के इवेंट होते हैं उसको बड़ा वो मतलब कि उसमें आगे बढ़ने की और मोहब्बत जताने की और वो मतलब दोस्तों से और उससे वो बड़ी कोशिश करते हैं कि वो नई नई चीज़ें अपने दोस्तों को दें। तो मैंने एक गिग देखा था, हो सकता है वो आपको भी नज़र आए इसी कैटेगरी में, उसमें एक बंदा जो है वो कैलेबियन बीच या कोई पता नहीं ऐसी कोई बहुत फैंटास्टिक सी जगह थी उसमें वो रहते थे, तो जस्ट उन्होंने क्या किया कि एक अपना कैमरा लेके
और एक वीडियो बना ली हैप्पी बर्थडे टू यू, वो बड़े स्टाइल में गा रहे हैं और फिर उस वीडियो को जो है वो दूसरों को दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ $5 में वो वीडियो बना के दे रहे हैं, तो उस डॉलर उस वीडियो से भी वो अर्निंग कर रहे हैं। यानी उस बंदे के पास कोई स्किल नहीं थी, उसके पास जस्ट एक कैमरा था। अब वो देखें, स्मार्ट कैमरे से भी अगर आप वीडियो बनाते तो वो एक अच्छी बन जाती है, ठीक है। वो एक अच्छे से एरिया में, इलाके में खड़ा हो गया और उसने जस्ट अपनी वीडियो बनाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, आई लव यू, और इस तरह करके उन्होंने वीडियो बनाई और जस्ट उस गिग्स के जरिए से भी वो ठीक ठाक अर्निंग कर रहे थे। मैंने देखा था, हो सकता है कि आपको वो गिग नजर आ जाए, ठीक है, कुछ अर्से पहले मैंने देखा था। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि फाइवर पर आप के पास अगर स्किल्स नहीं है तो आप किस तरीके से कमा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लाइफ स्टाइल में जाते हैं तो आप देखें कि आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर आपके पास हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस वगैरह की वो है, नॉलेज है, तो आप इसके हवाले से भी इसमें लोगों को गाइड कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन लेसन है, ठीक है। तो ये बहुत सारी मतलब कैटेगरीज हैं, लेकिन जाहिर है उसके लिए आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि जिनके पास नॉलेज नहीं है, आप देखें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं भी आता तो वर्ड पर काम कर सकते हैं। तो है ना, अगर आप वर्ड पर एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना के उसको भी फाइवर पे एक गिग बना सकते हैं कि जैसे आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर इस पर लिखती हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये करके देखते हैं कि किस तरह की गिग्स बनी हुई है, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने लिखा, सही है। तो अब आप देखें कि लोगों ने इस पे भी काम किया हुआ है, सही है। आई विल फॉर्मेट, एडिट और रीडिजाइन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट लेटर हेड और कवर, यानी कि मैं फॉर्मेट करता हूँ और एडिट करता हूँ और रीडिजाइन करता हूँ आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को, लेटर हेड और कवर को, सही है। यानी कि अगर लेटर हेड में भी बाज़ोकात बहुत सारे लोग चेंजिंग करवाना चाहते हैं तो ये इस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं जरा क्लिक करके देखती हूँ, तो ये देखिए पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लेवल 2 सेलर है, आसिफ 3 4 3 2 1, ठीक है। और इन्होंने इनके कितने ऑर्डर पेंडिंग, 116 इनको रिव्यूज मिले, यानी 116 ऑर्डर वो कर चुके हैं। 2015 से इनकी गिग बनी हुई है, ठीक है, लेवल 2 सेलर ये बन चुके हैं। तो जब जाहिर है पाकिस्तान में रहकर ये वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप इस तरह की गिग्स को देखें और उसको पहले सर्च करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियोस में जो मैंने प्लेलिस्ट में आपको दिखा देती हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बताया है कि वाई वी कांट गेट कंसिस्टेंट ऑर्डर ऑन फाइवर, ठीक है। इसमें तकरीबन 7 वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको आप देखते जाएं। इन वीडियोस की खास बात यह कि इसमें मैंने ये बताया है कि आप अगर एक न्यू कमर हैं तो आप किस तरीके से फाइवर पे जो है वो जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्ड्स के थ्रू एक वो बना सकते हैं, ठीक है, गिग बना सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, ये इट डजंट रियली अ बिग मैटर। ये तमाम ये जो ट्रेनिंग है ये तमाम किस्म की फील्ड के लोगों के लिए इफेक्टिव है, ठीक है जी। अब दूसरा हम कोई देखते हैं यहाँ पर, आई विल डिजाइन लेआउट योर वर्ड डॉक्यूमेंट टू ऑसम PDF फाइल, यानी कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आप जो है ये सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। अब वर्ड को PDF में कन्वर्ट करने के भी फ्री में आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आप गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं कन्वर्ट वर्ड फाइल टू PDF, ठीक है, तो एक जो ये भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो है आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इसमें आप अपनी जस्ट वर्ड फाइल को डाउनलोड कर लें और उसको इसमें ओपन कर लें, ठीक है, तो वो खुद ही कन्वर्ट करके उसको PDF में कर देंगे, ठीक है। तो आप एक ये गिग भी बना सकते हैं कि आई विल कन्वर्ट योर वर्ड डॉक्यूमेंट टू PDF, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपके पास वो आता है या नहीं, क्योंकि देखें ये तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, लोग जो है वो आराम से अपने सिस्टम के थ्रू भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो जाहिर है कि वो गिग्स को अप्रोच करते हैं, या जिनको बहुत बड़ी तादाद में काम करवाना होता है तो वो फाइवर से ऐसे लोगों को हायर करते हैं, ठीक है जी। तो एक तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट का काम हो गया, यानी कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट का काम कर सकते हैं। आई विल प्रूफ रीड 1000 वर्ड ऑफ एनी डॉक्यूमेंट यूनिट। प्रूफ रीड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई जो है वो बहुत ऐसा कोई वेबसाइट है जो कि सिर्फ वर्डिंग पर काम कर रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन पर काम कर रही है, तो जाहिर है उनको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि उनकी डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करें, यानी उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सही कर दें। तो ये जो है ये इस तरह की सर्विसेज भी आप इसमें दे सकते हैं। आई विल एडिट PDF
फिलेबल पीडीएफ फॉर्मेट टू कन्वर्ट डॉक्यूमेंट टू वर्ड, ठीक है, ये इसको आप खुद देखें, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो मैंने अपनी ट्रेनिंग सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक रखा है वो रिसर्च का रखा है, यानी रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फाइवर खुद आपको बता रहा है कि आपने अपने काम को किस तरफ लेके जाना है, ठीक है। इसमें सारा कुछ है, आपको किसी से ना ट्रेनिंग लेने की जरूरत है ना वो, हाँ आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं डेटा एंट्री को लिखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो सिर्फ डेटा एंट्री कर सकते हैं, तो डेटा एंट्री में तो देखें मेरी नॉलेज में यह है कि ज्यादातर इंडियंस काम कर रहे हैं इसमें। अब आई डोंट नो कि न्यू कमर को काम मिलता है या नहीं, क्योंकि देखिए ये इजी काम है तो इसमें लोगों की भरमार है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लाइक यूरोप और अमेरिका में अब बड़ी बड़ी कंपनीज ने लोगों को काम देना छोड़ दिया है, वो जो है वो अब बॉट्स से काम ले रहे हैं, रोबोट से काम ले रहे हैं, और बॉट्स उन्होंने बनाए हुए, अगर कोई वो वेबसाइट चला रहे हैं तो वो उस वेबसाइट का काम भी वो बॉट्स से करवा रहे हैं, तो अब ह्यूमन बींग को काम मिलना खत्म हो गया है, ठीक है। लाइक अमेरिका और यूरोप में भी लोग ज्यादातर जो है वो अपनी प्रोडक्ट बना के या तो सेल कर रहे हैं या वो घरों के पास स्मॉल बिजनेस में वो करके काम कर रहे हैं, यानी जॉब्स का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वो है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो फाइवर में लाखों करोड़ों लोग गिग्स बनी हुई है उसकी वजह यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, लोगों के पास तो कंपटीशन इतना टफ है हर फील्ड में कि इसमें थोड़ा काम मिलना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है नामुमकिन नहीं है, जब मुझे मिल रहा है तो आपको भी मिल सकता है, ठीक है जी। अब डेटा एंट्री पर हम आ गए हैं। आई विल डू 2 आवर डेटा एंट्री सर्विस पीडीएफ टू एक्सेल एंड वर्ड एंड ओ, यानी कि इन्होंने ये लिखा हुआ है, सही है। अब इनकी भी हम, ये मेरा ख्याल है इंडिया के होंगे, ठीक है। आई विल डू एक्सेल डेटा एंट्री, ठीक है, एक्सेल में डेटा एंट्री ये करते हैं, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये भी पाकिस्तान से हैं, ठीक है, और 2018 से इनका जुलाई में इन्होंने ज्वाइन किया है फाइवर को, ठीक है, और 242 रिव्यूज़ इनको मिल चुके हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को नहीं मिलता, तो ये बात गलत है। देखिए आप जो है इस पर अगर डेटा एंट्री भी कर रहे हैं तो आप जो है वो इस रिसर्च करें, तो रिसर्च से आपको अंदाज़ा होगा कि किन किन लोगों को इसमें काम मिल रहा है, यानी कि कोई छोटा अमाउंट नहीं है, उन्होंने 242 रिव्यू सिर्फ डेटा एंट्री में लिए हैं, ठीक है ना। अब वो एक्सेल की जाहिर एक्सेल एक्सपर्ट हैं, जाहिर उन्होंने एक्सेल में पूरी ट्रेनिंग दी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले तो ये देखें कि आप क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप डेटा एंट्री भी करना चाहते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं। पूरी ट्रेनिंग यूट्यूब पर मौजूद है, फ्री ट्रेनिंग है, बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग है, आपको मिलेगी हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आप उन फ्री पेड को छोड़ें, फ्री में भी अगर आप उन ट्रेनिंग्स को देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और वो एक्सपर्ट बनके आप जो है एक गिग इस तरह की बना लें, ठीक है। गिग में आप जो है ये देखें उन्होंने किस तरीके के वो लगाए हुए हैं, इमेजेस लगाए हुए हैं, ठीक है, और इनको रिव्यूज भी मिले हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे आप डेटा एंट्री में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आई विल डू डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च परफेक्टली। वेब रिसर्च क्या होती है, ये वेब रिसर्च के लिए बहुत सारे लोग हायर करते हैं एक्सपर्ट्स को, तो आप अगर तालीम याफ्ता हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप कॉन्टेंट राइटिंग में भी बहुत ज़बरदस्त आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वेब रिसर्च जो है उसमें भी आप देखेंगे इनके पास ये फीमेल हैं और इनके पास तकरीबन 73, ये बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, और 78 रिव्यूज इनको मिले हुए हैं, और 2018 में, कोई इतना पुराना इनका प्रोफाइल नहीं है, अगस्त 2018 से इन्होंने स्टार्ट लिया है, यानी कि तकरीबन एक साल ही हो गया है, लेकिन उसमें इनको 76 रिव्यूज मिले हैं। इट मीन्स के ये इतना तो कमा रही हैं कि चले इनका जो है वो जॉब अगर इनके पास ना भी हो तो इनका एक पॉकेट मनी तो जनरेट हो रही होगी, तो वो भी डॉलर्स में, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर आप डेटा एंट्री भी करना चाहते हैं तो आपके लिए फाइवर के दरवाजे ओपन हैं, और इसमें आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, यानी कि डेटा एंट्री जब आप वेबसाइट्स के थ्रू करवाते तो उसमें 99% फ्रॉड का चांस होता है, वो आपसे बहुत भर भर के काम लेंगे और आपको जब पेमेंट लेने की बारी आएगी तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन फाइवर में गारंटी है काम की, यानी कि आप जब गिग पे काम करेंगे, आप गिग बना लेंगे, गिग जो के थ्रू ही आपको अप्रोच किया जाएगा, तो फिर फाइवर के थ्रू जो है वो बाउंड होता है क्लाइंट भी कि वो आपको एट अ टाइम पेमेंट दे, ठीक है। तो राइट नाउ इसमें मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आसान होगा, कंपटीशन टफ है, लेकिन जब ये लोग अर्निंग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सारी बात वही है कि आप अपने गिग को उसके थ्रू बनाएं, मतलब ये कि उसमें जो है SEO कीवर्ड्स के थ्रू
कीवर्ड्स का ख्याल रखें। और एक जो मैंने इम्पोर्टेंट बात आपको बताई थी कि जो कीवर्ड आपका टाइटल में होना चाहिए वही आपके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और वही आपके इमेजेस में भी होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप करके करेंगे तो मैं गारंटी से आपको कहती हूँ कि आपकी गिग आगे जाएगी, आपकी गिग रैंक होगी और आगे आपको काम मिलेगा। ठीक है, अब हमने डाटा एंट्री को भी देख लिया और ये भी देख लिया कि पाकिस्तानी भी इसमें बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ लिए हैं, तो आप इसमें डाटा एंट्री भी कर सकते हैं। डाटा एंट्री बहुत ईजी वर्क है, कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। अब मैं पॉइंट आपको बताती हूँ पावर पॉइंट में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। यू नो आई विल क्रिएट स्टनिंग प्रेजेंटेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर यू। प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली पावर पॉइंट की बहुत प्रोफेशनल किस्म की एक कैटेगरी है और वो जरा बड़ा प्रोफेशनल लुक दे रही होती है तो वो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है। लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आप देखेंगे यहाँ पर काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि ये सिर्फ वन पेज है, इसमें इतनी गिग्स हैं तकरीबन 10 और यहाँ पर जाकर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे पेजेस हैं, यानी कि तकरीबन 10 पेजेस तक तो आपको इनकी गिग्स मिलेंगी। ठीक है जी, इससे भी ज़्यादा जो है वो कुछ लोगों ने बनाई भी होंगी लेकिन उनको अर्निंग नहीं मिल रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। तो सारी बात रिसर्च की, आप इस पर रिसर्च करें। ठीक है, वीडियो का टाइम बड़ा हो रहा है, मैं जो अब आगे की तरफ चलती हूँ। ठीक है, लेट सपोज अगर एक और भी बहुत आसान सी जॉब है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। लेट सपोज कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता, ठीक है ना, कुछ नहीं भी आता, जैसे कि आप यहां पर लिखते हैं वर्ड आर्ट। आपको पता होगा जो लोग वर्ड पे काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो वर्ड आर्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है ना, यहां पर भी लिखते हैं और पहले सबसे पहले मैं इसको गूगल के सर्च बॉक्स पे लिखती हूँ। ठीक है ना, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट की भी जो है वो आप सर्विस दे सकते हैं। यानी कि वर्ड आर्ट इस तरह से होता है कि बहुत स्टाइलिश वे में आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ, जैसे कि लोगो होते हैं। ठीक है, अब ये देखें वर्ड आर्ट जनरेटर, ऑनलाइन वर्ड आर्ट जनरेटर। ठीक है, उसके जरिए से ये आपने देखा होगा कि ये पावर पॉइंट में भी, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऑप्शन आपके पास आता है। आप कोई भी लिखें, टॉपिक लिखें और यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो इसी स्टाइल में जो है वो सामने आ जाता है। तो आप वर्ड आर्ट की भी वो कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। अब जैसे फोटोशॉप में मैं वर्ड आर्ट लिखती, सॉरी फाइवर पे मैंने लिखा और वर्ड आर्ट और क्लिक किया, तो आप देखें कि वर्ड आर्ट की भी बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर आई विल क्रिएट वर्ड आर्ट विथ चूजन वर्ड। ठीक है ना, यानी कि आप मुझे कोई वर्ड चूज करके दें तो मैं उसको वर्ड आउट वर्ड में कन्वर्ट करूंगी। ये लेवल टू सेलर, लेवल वन सेलर है, यूनाइटेड स्टेट से इनका ताल्लुक है। यानी बहुत आसान सा काम है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप बहुत आसान काम भी इसमें कर सकते हैं। यानी अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो आप इन चीज़ों पर भी, इन गिग्स बनाकर इन टॉपिक्स पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये गेमिंग है, गेमिंग जो है वो आपको पता है पूरी दुनिया में गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आईटी में बहुत ज़्यादा फेमस है और इस पे बहुत काम हो रहा है। ठीक है, अब गेमिंग में वॉइस ओवर, ठीक है ना, वॉइस ओवर का क्या मतलब है कि यानी कि अगर आपके पास और कुछ नहीं आता, आपको आपकी एक अच्छी आवाज़ है, आप एक तालीम याफ्ता इंसान है, तो आप वॉइस ओवर के थ्रू भी बहुत कमा सकते हैं। लाइक बहुत सारी वीडियोस में बहुत अच्छी जो अट्रैक्टिव वॉइसेज होती है मेल और फीमेल की, वो उसकी भी तलाश हो रही है। ठीक है, तो वो भी काम फाइवर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अच्छी आवाज़ है, आपकी आवाज़ माइक में बहुत अच्छी, कुछ लोगों की बोलने में अच्छी नहीं होती, माइक में बहुत अच्छी आवाज़ होती है, इसी तरह कुछ जो फेसेस होते हैं वो फोटोजेनिक होते हैं, वो मतलब ये देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन देखने में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जब उनकी पिक्चर ली जाती है तो पिक्चर उनकी बहुत अच्छी आती है। कुछ लोगों की मेरी तरह पिक्चर भी बहुत अच्छी नहीं आती, वो देखने में तो सही होते हैं लेकिन ये कि, तो ये सब वो बातें हैं, आप इन चीज़ों से भी मतलब ये कि वो फ़ायदा उठा सकते हैं फाइवर में। ठीक है जी, तो वॉइस ओवर के जरिए से भी, वॉइस ओवर क्या होता है कि मतलब ये कि अगर आपको कोई कैरेक्टर वॉइस ओवर चाहिए, अच्छा पूरी दुनिया में मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में भी ये हो रहा है कि जो टर्किश लैंग्वेज है या कोई भी दूसरी लैंग्वेज है उसमें अगर हिंदी लैंग्वेज में उसको वो करना है तो उसके लिए भी मल्टीमीडिया इंडस्ट्रीज जो हैं वो फाइवर के थ्रू ही लोगों को हायर करती हैं। तो आप और कुछ नहीं तो आई विल डू अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर योर वीडियो। ठीक है, अगर आप लिख पढ़ सकते हैं तो आपको वो स्क्रिप्ट देंगे, आप उसको स्क्रिप्ट पढ़ के वो करो तो वो आपको अप्रोच कर लेंगे अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत वॉइस है। ठीक है, तो ये भी एक काम है फाइवर के थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, गेमिंग का ये न्यू है, आप देखें इसमें सारे
जो है वो गेमिंग से रिलेटेड वो है वीडियो एडिटिंग. क्या है वीडियो एडिटिंग? बहुत आसान काम है और मैं खुद सीख रही हूँ, और मैंने अपने चैनल को ग्रो अप करने के लिए वीडियो एडिटिंग को सीखा. और ये इतना आसान काम है, मतलब ये कि उसमें ना तो आप मतलब एक वीडियो को लें, उसमें कुछ अपनी चीज़ें डाल दें, कुछ चीज़ें कट कर दें और एक नई वीडियो बनाएं. उससे क्या होगा कि जब आप उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता. तो वीडियो एडिटिंग की राइट नाउ बहुत डिमांड है, आप जो है वो वीडियो एडिटिंग सीख लें. तो ये कि कुछ ना कुछ तो दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको आना जरूर चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो आप अपने जहन से ये चीज़ निकाल देंगे, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा और मेरे ऊपर आसमान से पैसे बरसना शुरू हो जाएंगे और मैं कमा लूंगा. ये दुनिया बड़ी मटीरियलिस्टिक और क्रूअल है. इवन ये कि बहुत टैलेंटेड लोगों को भी बाज़ औक़ात पैसे के चक्कर में यूज़ किया जाता है और इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है. तो लेकिन ये कि आपको खुश नसीब है कि आप इस दौर में हैं जिसमें जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं. लाइक मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट लिया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया. और इस नीयत से नहीं सिखाया कि मैं उनको कुछ दूंगी, बल्कि जो है वो इस नीयत से सिखाया कि बहुत सारी चीज़ों का अजर अल्लाह देता है. तो यही चीज़ मैंने वो करके सामने रखते हुए ये काम किया, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया और कोशिश यही की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो. और मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी तादाद में वो लोग जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं इस चैनल को जो है वो देख रहे हैं. तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अगर कुछ नहीं भी आता तो आप इवन ये कि एक CV किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं. और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैंने वर्ड आर्ट का मैंने आपको बताया, ठीक है. वर्ड आर्ट आप जो है वो एक ऐप के जरिए से भी आप बना सकते हैं और उसके जरिए से भी आप कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ऐप के जरिए से भी, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो उनका डिफॉल्ट वर्ड आर्ट सिस्टम है उसके जरिए से भी आप वर्ड आर्ट बना सकते हैं. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक वेबसाइट है www.freepik.com, इस पर आप जाएं. इसमें दुनिया भर का बेहतरीन किस्म का काम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है. इसमें अगर मैं लिखती हूँ CV टेम्पलेट्स फ्री, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो सारे फ्री टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिसपे ये क्राउन बना हुआ है. दैट मीन्स कि वो पेड है, यानी कि उसको तो आप छोड़ दें. ये देखें, ये जो एक CV टेम्पलेट है कितना ज़बरदस्त सा ये टेम्पलेट है, और इसमें जो है कुछ भी मतलब ये कि वो नहीं है, यानी कि देखें प्रोफेशनल सा CV टेम्पलेट है. आप जस्ट इसको डाउनलोड करें, ठीक है, और इसको जो है वो कुछ इसमें अपना कलर डाल दें, कुछ अपनी चीज़ें डाल दें, इनका कलर चेंज कर दें, और जो है वो फाइवर पर एक गिग बना लें कि आई विल मेक प्रोफेशनल CV टू यू जस्ट इन $5. तो इस जरिए से भी आप कमा सकते हैं. इस पर पूरा मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना, कि CV टेम्पलेट और ब्रोशर जो है वो किस तरीके से आप डाउनलोड करके उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है फोटोशॉप की. जस्ट आपको प्री बेसिक स्किल आने चाहिए, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं. पूरा जो है वो मैंने लोगो डिज़ाइनिंग की भी और फोटोशॉप की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग सीरीज बनाई है, जिसमें तकरीबन 18 वीडियोज अपलोडेड हैं, ठीक है. और ये 18 वीडियो कुछ भी नहीं है, इससे आगे भी मैं करूँगी. तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं चैनल में इंशाल्लाह अपने चैनल में मैं वो तमाम चीज़ें लेकर आऊँगी कि किस तरीके से आप फाइवर पे जस्ट जिनको कुछ भी नहीं आता तो वो जस्ट एक आध स्किल को ही सीखकर फाइवर पे एटलीस्ट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आप जॉबलेस हैं या आप स्टूडेंट हैं कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको अर्निंग मिलना शुरू हो जाए, ठीक है. तो होपफुली आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.